आसमान से आग बरस रहा है, तापमान पूरे परवान पर है, चिलचिलाती धूप के चलते लोग घरों में दुबकने को मजबूर है। कुदरत के कहर को देख सब हैरान और परेशान है। लोगों की जुबा से बस एक ही शब्द निकलता है, ऐसी गर्मी आज तक नहीं देखी। शहडोल में इन दिनों गर्मी का सितम लोगों को खूब सता रहा है। पारा पूरे परवान पर है, 45 डिग्री का तापमान लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गर्मी से लोगों को एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा। शहडोल जिले में इन दिनों गर्मी का सितम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है, तो दूसरी ओर जिला मुख्यालय में एक भी सार्वजनिक प्याऊ नहीं खुलने से समस्या दोगुनी हो गई। जिले के लोग कामकाज और जरूरतों के हिसाब से शहडोल जिला मुख्यालय पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें नगर पालिका की उदासीनता का शिकार होना पड़ता है। नगर पालिका ने अब तक शहर में एक भी प्याऊ की स्थापना नहीं की, यहां तक कि कलेक्ट्रेट परिसर में भी लोगों के लिए पानी की सुविधा नहीं है। शहडोल में अब तक अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं रोजाना तापमान पर नजर डाला जाए तो बीते सप्ताह से 42 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। आम लोग जहां इस भीषण गर्मी में झुलस रहे हैं, तो दूसरी तरफ नगर पालिका जिम्मेदारियों से दूर खड़ी दिखाई दे रही है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि तापमान में अभी और बढ़त देखने को मिल सकती है। पेयजल की व्यवस्थाएं बिल्कुल चौपट पड़ी है, हैंडपंप बिगड़े हुए हैं, नलों में पानी समय से नहीं आ रहा है नगर पालिका द्वारा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि नगर पालिका द्वारा हर वर्ष प्याऊ की व्यवस्था की जाती थी, जिससे दूर दराज से आए लोगों को पानी पीने की व्यवस्था मिलती थी, मगर विडंबना यह है कि शहर मुख्यालय जो कलेक्टर कार्यालय है वहां तक नगर पालिका प्याऊ की व्यवस्था नहीं करा पाई है। जहां दूर दराज से अंचल से गरीब और मजबूर लोग जो परेशानी हाल में यहाँ आते हैं, उनको भी पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही। हम नगर पालिका से मांग करते हैं कि कलेक्ट्रेट परिसर में कम से कम प्याऊ की व्यवस्था करें। इस बार सर बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहे हैं। इस बार अप्रैल के महीने में ही हम मई जून जैसी गर्मी महसूस कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। घर से पानी पी कर के आए हैं जबकि, लेकिन अभी लग रहा है फिर से पानी पी लें। और पानी के अलावा डिहाइड्रेशन है, अस्पतालों में मरीज भी आप देख रहे हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मेरे घर में खुद गर्मी से मेरे बच्चे बाहर निकले खेलने के लिए, केवल 2 मिनट के लिए निकले लेकिन उनको धूप लग गई, तो मैं खुद परेशान हूँ और बच्चे भी परेशान हो रहे हैं इस कारण से। बहुत ज़्यादा गर्मी है। मेरे घर के पास एक किसान रहते हैं, वही मुझे बता रहे थे कि किसानों की एक फसल खेत में पड़ी हुई थी, लेकिन वो एकदम तेज गर्मी से झुलस गई फसल उसकी। मैं बताना चाहूँगा जो सामान्य नागरिक हैं हमारे ज़िले के, तो वो घर से खाली पेट ना निकलें। अभी जितनी गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से कुछ खा पी के ही निकलें, और जितना हो सके 12 से 4 के बीच अगर एकदम ज़रूरी है तो ही बाहर निकलें, और अपने कान हमेशा ढके रहें एक कपड़े से, सूती कपड़े से, और सूती कपड़े जो है हल्के रंग के वो पहनने का प्रयास करें, और लगातार पानी जो है पीते रहें गर्मी से बचने के लिए। तापमान बढ़ने की क्या वजह मानी जाए? तापमान बढ़ने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ग्लोबल वार्मिंग है, जिससे लगातार जो है हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और आगे भविष्य में और बढ़ने का संभावना है। पिछले साल अपन अप्रैल की अगर बात करें तो तापमान 41-42 डिग्री तक जाता था, लेकिन अभी जो है वर्तमान में 45 डिग्री के आसपास क्रॉस कर चुका है।